इन लोगों ने प्रणव कुमार के उसके रसगुल्ले भी चुराए। ए, तू जाके बिल देकर आ, मैं इनसे बात करता हूँ। इन लोगों से कितनी ऐसी बात करनी है मुझे? अरे ओ, जाके बिल क्लियर करके बात करते हैं। शॉप तो जय श्री राम दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीफिट ब्लॉग्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। दोस्तों आज है संडे का दिन, तो जो अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया वो थोड़ा लेट हो गया यार, क्योंकि गाइस मेरे को जान बाहर जाना पड़ गया था और घर के काम वाम हो गए, तो इस चक्कर में ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया टाइम से, तो ये वाला ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा। और बाकी अभी चल रहे हैं हम तुषार के पास, क्योंकि यार घर पे बोर हो रहे थे। और कल क्या यार, कल मैं पूरा ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाया था, क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कॉलेज के अंदर ही, जिससे मेरे को वापस आना पड़ गया था घर पे। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो तो भगवान का शुक्र है कि मम्मी घर पे आ गई थी कल। तो मम्मी ने थोड़ा वो था ना यार, बीमारी में हमेशा मम्मी घर पे होती है तभी राहत मिलती है, क्योंकि वैसे तो ऐसे तो कुछ बीमारी नहीं थी कि अगर मम्मी घर पे नहीं होती तो संभाल लेते, पर क्या मम्मी घर पे रहती है तो एक टेंशन फ्री रहता है कि यार चलो ठीक है अब रेस्ट करेंगे प्रॉपर, नहीं तो यार अपना खाना वाना बनाना पड़ता है, ठीक है साफ वाफ करना पड़ता है घर बार, और बाकी फिर ये चीज़ होती है। तो बस मम्मी घर पे थी तो ये आराम था कि हाँ बेड पर लेटे आराम से बैठ रहा है, बढ़िया। तो गाइस अब बिल्कुल ठीक है प्रॉपर मामला, तो अब चल रहे हैं मैं तुषार के पास, कॉफ़ी वॉफी पीते मिलते बैठते थोड़ा सा, क्योंकि घर पे क्या मन नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी बाहर निकलने का मन भी नहीं था, धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है, घर गाड़ी बिल्कुल गर्म हो रखी है। फिर मैं देखा यार चलो चल ही लेते हैं, बोर हो रहे हैं तो थोड़ा। और गाइस परसों निकल रहे हैं हम, जो हमारी ट्रिप होने वाली है, ये वाली ट्रिप तो बहुत शॉर्ट होने वाली है, मतलब देख लो आज जैसे आज मैं गया तो कल आ जाऊँगा वापस, ऐसा ऐसा होने वाला है, एक दिन डेढ़ दिन की ट्रिप है। तो और वो भी मतलब घूमने के पर्पज़ से नहीं है, वो भी एक अपने काम के पर्पज़ से नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपो होने वाला है भारत टेक्सटाइल एक्सपो 2024, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो कहाँ जा रहा हूँ उसके लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो हो सका तो रात को जो वहाँ पे घूमने की चीज़ें, जो वहाँ पे फूड स्ट्रीट फूड है वो दिखाएंगे आपको, और बस बाकी बातें तुषार के पास जाके करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए गाइस बन जा और कुछ डूड बन जा, तू रिंग नहीं पहन के आएगा आज? तो भाई इसने मेरे को प्लान डिच करा है, दिल्ली चल रहा था भाई लेकिन नहीं चला ही हमारे साथ, तो मैं तो आया था इसके अड़ा, इसने मेरे अड़ा दी। हाँ भाई तो क्या कहना चाहोगे आप, इसकी भरपाई कैसे मिलेगी? आगे करेंगे भैया, दिल्ली से आके दिल्ली से आ जाओ फिर करते हैं भरपाई। पार्टी ग्रैंड 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 चलेंगे फिर वहाँ चलेंगे, वो क्या खुला है नया एमए रोड पे, स्विंटन करके ठीक है, तो दिल्ली आ जाऊँगा मैं दिल्ली से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सर आराम खोर ने डिच किया है प्लान, ये आराम खोर को याद रखूँगा मैं, तू बना बेटी कभी प्लान, कभी बना प्लान तेरे साथ भी करूँगा बेटा, ऐसे वहां से फ्री होने के बाद हम यार थोड़ा घर पे आ गए थे अपना, और मतलब वहाँ पे जस्ट कॉफ़ी पीने गए थे। तो गाइज मैं बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि तीन चार दिन पहले मेरी सेल्स की प्लानिंग हुई थी कि आज जो है ना वो हम एक एग्जीबिशन देखने जाएंगे, जो एग्जीबिशन हमारा हमारे पास जयपुर में होता है विंटेज गाड़ियों का, तो जितने भी विंटेज गाड़ियाँ जयपुर में सारी आती है उसमें एग्जीबिशन में, दो दिन का एग्जीबिशन होता है बेसिकली, तो वो कल का था और आज का, मतलब 24 और 25 का था, तो कल तो सैटरडे था तो कल क्लासेस थी, कल तो हम जा नहीं पाए, तो हम आज जा रहे हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, तो जो कार एंथुजियास्ट है वो बात है भाई, और सहज का अभी भी फ़ोन आया कि जो मतलब बाहर जो पार्किंग है उसमें जगह नहीं है भाई, बिल्कुल अपने रिस्क पे लाना फोर व्हीलर आए, तो मैंने बोला ठीक है भाई, और मैं घर मैं मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास ही है वो जय क्लब, तो ऐसे तो वो जल महल पैलेस में है और जय क्लब तो लैंडमार्क है, तो वो चीज़ है, तो वहाँ जाके एक बार पार्किंग ढूंढेंगे फिर चलते हैं एग्जीबिशन के अंदर। बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीज़ आने वाली है, तो उनको कवर करेंगे कौन कौन सी ब्यूटीज़ है और क्या क्या है उसमें, तो
बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, मजा आएगा आई एम श्योर। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन के ऊपर, जस्ट चल रहे हैं अभी एग्जीबिशन में बाहर। भाई देख ही सकते हो आप कितनी भीड़ है, दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं आप भाई ट्रैफिक। अपनी गाड़ी खड़ी हो वहाँ उस मंदिर के पास, दिख ही गया आपको। तो गाइस चलते हैं फटफट अंदर, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रखी है यार, पता नहीं क्या कवर पाऊँगा, कवर कर पाऊँगा, तो चलते हैं। अपने हाथ से मेरे को दिख रहा है लड़ाई होती है भाई मेरा लगना तो नहीं साइज और कहाँ खड़े हैं यार, चलते हैं गाइस अंदर फटाफट। देखिए गाइस ये यहाँ का पैलेस, जयमहल पैलेस, देखिए गाइस कर चुके हैं एंटर अपन। हाँ भाई आज भी ट्रेनिंग भाई, जगह से तो जी नहीं भर रहा भाई मेरा तो भाई, बोर्ड मस्टैंग गाड़ी है। चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाय वैष्णवी, इसको जानती पब्लिक, इसको तो मिलाने की जरूरत नहीं है। शिवर्धन करोगे तो काइंडली नेक्स्ट वन गाली बोले मत बकियो, तेरी एडिट करने में बहुत टाइम लगता है मेरे को। बोल तेरे को 3 मिनट का गिनती के 3 मिनट दिखाया होगा उस ब्लॉग में, लेकिन उसको आधा घंटा लग गया तेरे को एडिट करने में भाई। हर सेंटेंस में गाली, हर वर्ड में गाली, गाली डालो तो क्या है, अनफिल्टर ब्लॉग होना चाहिए। अच्छा जिससे मेरे घर वाले मेरे को निष्कासित कर दे, मैं इसके साथ हूं, मैं जानती भी नहीं। तो सिनेमैटिक एंजॉय करिए और देखिए कौन कौन सी कार है यहाँ पे, सिनेमैटिक के बाद मिलते हैं। लूसीफर, अरे वो वेब सीरीज जो है देखी नहीं मैंने, देखना चाहिए। ये बकवास दोबारा बोलने की बात, दोबारा बोल ऐसा रची है।
इसके पापा के जो पिस्ता ग्रीन कलर की साइकिल है वो यहाँ पे डिजर्व करती है भाई, वो भी कोई विंटेज कार से कम नहीं है। सही में इस कलर की साइकिल, अरे इस कलर की नहीं भाई, पिस्ता ग्रीन में उसकी पैंट, उसकी पैंट, अरे इसकी पैंट से भी बुरा कलर है, भी गंदा कलर है, तोता कलर है। हाँ तोता, तोता कलर उड़ गया। वो जो लड़की ने जो टॉप पहन रखा है वो ग्रीन कलर, अच्छा अच्छा उस कलर दिखाना, हम तो सब तो चाहते हैं दिखाए गाड़ी तो बदले गाड़ी को, ब्लैक करा लो, पर्पल करा लो, कुछ भी करा लो, गाड़ी को क्या बोलती है, क्या बोलती है, ये स्पेशल एडिशन है, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए उस कलर के, तो नहीं लूं मैं, लो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। भाई देखो कितनी सारी ब्यूटी है यार, मतलब गिनती नहीं है ब्यूटी की। और इनको देख के पता लगता है भाई पुरानी गाड़ियों पे क्या कलर कॉम्बिनेशन होते थे, क्या कलर चूज करते थे कार कंपनी वाले। मैंने कलर देख के मजा आ रहा है, इनके कलर देख कितने प्यारे प्यारे है ना, आज कल ये मिनी कूपर है मिस्टर बीन वाली, मिस्टर बीन वाली पीछे भी बना हुआ है। हाँ टेडी, टेडी फाइनली आज प्रखर की उड़ी उतरी गई, मेरे को लगा था आज ही पिंक वाली उड़ी पहन के आएगा, पिंक पैंथर वाली ना तो नहीं है तो यार गया ये शाम को पहन के मिलेगी। हेलो शाम को पहन यार इतना जैगुआर, we have the studs on the right, Jaguar is bhai. The winner, yeah, of the 1947 section. And on my left Jaguar Mark is four. A beautiful Ford Thunderbird which is a winner, nice, of the classic section. Every this year we have two winners, one each in the vintage category and one each in the classic category. This is 1956, hopefully they don't bang into each other. Wow, next level, next a big level, round of applause, next level to both the cars and to both the car owners. भाई आवाज नहीं आ रही यार, उससे बोल रेव कर दे एक बार, कर दे कर दे रेव कर दे एक बार, तीन बार ऑन करना पड़ेगा उसके लिए, तीन बार क्या, तीन बार ऑन करते हैं, तीन बार ऑन करते हैं, हाँ वो तो पता है, पता है पता है, तो फिर रेव करते जैसे जो कार गाइस होते हैं ना, तीन बार ऑन करके लेके से इशारा करो ना फिर अपनी गाड़ी रेव करते। वाह यार ये होता सिस्टम, तुझे बात पता लगा, तुझे घंटा पता था, ऐसे स्टार्ट होती है भाई रेसेस भी, ऐसे स्टार्ट होती है। अच्छा भाई हमारा लौंडा हमारा काम करता हुआ इसको पक्का बर्गर खिलाएंगे, सस्ते सस्ता, सस्ते सस्ता, मैं नहीं खाऊंगा 10 रुपए बर्गर ही नहीं आता आजकल, फ्राई वाला नहीं आता, वो तो फ्री मैकडी खाएगा, नहीं मैकडी खाएगा मारा था मैं, स्पेलिंग नहीं आती इसको मराजे मैक की, आती है बता दे तो लगेगा ना। पहले वीडियो बना, पहले वीडियो बना, इतनी जल्दी स्विच करता है ना। The next special prize is for the smallest vintage car. सर ये अब क्या प्रैक्टिस हो गई है, मतलब कई बार मेरे साथ ऐसी चीज हुई ना कि ब्लॉग बंद होते होते ना ऐसी चीज हो जाती है, तो लगता है कि ब्लॉग में क्यों नहीं आया ये, और यार आराम करके ऐसे ही होता है ब्लॉग चालू करते डबल गाले बनते हैं। ये कौन सा साइन है यार, फोर्ड का, फोर्ड का ऐसा साइन होता है, फोर्ड का 21 गन सैल्यूट, प्लीज होल्ड अप योर हैंड, कैन देगी तो हमको। मैं तो अगर तुम लोग मेरे को 1,000-1,000 रुपए क्रेडिट नहीं करोगे मेरे अकाउंट में, मैं तुमको तुम्हारा कंटेंट नहीं दूंगी। प्रखर दो दिन बाद बोल इसको, ये बोल रही है मैं 1,000-1,000 रुपए दोगे ना मेरे को तो मेरे को मैं कंटेंट नहीं दूंगी तुमको, 500 बिकती तो 1,000 कासा मांग रही है भाई तू, ब्रो 500 में अब मैं कुछ बोल रही है, मेरे को तो चेन्नई की बातें याद आ रही है, अच्छा नहीं लगा कैमरा में बोल दे 500 रुपए की दिखा, ये राहुल एक दूसरे को एक बात था, मैं राहुल को 500 तो वो को 500 बैठे मेरे को मिला गया, तो मुझे मिला गया मेरे सामने हुई थी बात, सेंसिबल तो नहीं लग रही पर हंसी आ रही है जैसे तूने हंसी दी थी, यहाँ पे भाई तेरी 1,000 रुपए लेके हमसे कंटेंट लेने के भाई, तो इसके फोन में जो है वो भाई वो खड़ी
दोनों गाड़ियों सेम ही है वैसे, ब्लैक कलर में इतनी सेक्सी लग रही है ना भाई। तो वो वाली पीछे लिया है वो, ये टू सीटर थोड़ी है, ये भी फोर सीटर है पागल। दो टू डोर फॉरी है, वो भी टू डोर ही है भाई। वीडियो में देख लेना, वो फोर डोर ही थी। और अब भाई देख तो कैसे सारा फोटो ऐसी। इम्पाला जो कार के साथ फोटो खिंचाई जा रही थी उसे और दिखाई और दिखाई। ये देखो भाई छूटी हो गए तो बाहर जाना है भाई। मैं देखा एक का छिड़क गया नहीं वो जूता का जूता गंदा से मारने के लिए पक्का लकीस्ट वन। क्या बात कर रही थी, इसके तो नीचे बैठे, इसके तो मुंह पे जाता, ओ इसके तो मुंह पे आता। कपड़े खराब कर गया वो यार। जो कलर तू देख मेरे कपड़ों का, भाई भाई मेरी भी लाइट यहाँ लगाया, यहाँ लगाया भाई तेरी बच्चे पैदा कर रहा हूँ ब्लैक निकाल। और क्या डालते हम तो इसको लगा दे, अब ऐसे कर दे नई नई जीन से दिलाएगा तू। पहली बार देखा है तो छोटा नहीं का। चलो और क्या अभी खरीदी है मैंने, ये मैंने भी अभी एक महीना खरीदे हुए, इसलिए मैंने महंगी। लो भैया हम आंधी की तरह गए, तूफान की तरह आए, जो भी एग्जीबिशन में था फटाफट कवर किया। एक घंटा मैक्सिमम, एक घंटा जाके। देखो भैया ये गाड़ी का ये भी दुख है, ये ऐसे लाई जाती है। ओ पूरे हट गए तो कोई मस्टैंग। वाह भाई एकदम सेक्सी, यही तो है भाई हाहाकार। इतनी मशक्कत के बाद भाई आ चुके हैं पेट पूजा करने। वैसे भी हाउ इज इट ओके अपने नाइस, जेन्युइनली नाइस। फ्राइज ओके जो सैंडविच वाला उसका रिव्यू भी देना, उसका रिव्यू भी देना। पैसे दूंगा उसके, मैं यही फूड ब्लॉगर बन गई। ये जो फ्राइज है इसके जो अंदर का क्रिस्प है वो थोड़ा कम है, इसको आप ऐसे मजा नहीं आ रहा है। ये लीजिए वैसे भी गो फॉर इट। Why? You looking beautiful. देख मैं बताऊँ, वीडियो बनकर देख फिर ये देखी मैं बताऊँ। मैं तारीफ कर दी वैष्णव की। बताइए, लीजिए वो टेस्ट। ओ